शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण वंदे जगत गुरु जी। गीता की साधना का विषय जारी है, आप बहुत पसंद कर रहे हैं ये, मेरे भाग्य अच्छे, मेरे भगवान भी प्रसन्न हो रहे होंगे। अब अपने प्रभु के श्री चरणों में इतनी प्रार्थना जरूर किया चाहता हूं कि हमें दिव्य शक्ति प्रदान करें कि हम इसे अपनाते जाएं, इसे अपना अंग बना लें। बस ये भगवान जी से एक विशेष हम सबकी प्रार्थना है कि हमें अपनाने की शक्ति दें। गीता की साधना, चलो मेरे साथ आगे। इतना तो हमने जान लिया, कल का जो विषय था वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं कौन हूं क्या हूं पहचान ले। और भक्ति का अर्थ आपको बताया गया पूर्ण समर्पण। जैसे शादी के बाद आप मेरी हिंदुस्तान की देवियां पूर्ण रूपेण अपने आप को सौंप देती हैं, तभी जिंदगी भर निभाया जा सकता है, वरना निभाना असंभव है। पूर्ण समर्पण, शाबाश। भक्त भी महाराज जी के श्री चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को सौंप देता है सदा के लिए, क्योंकि मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में यह ताकत है बंदा से खुदा कर दे। फिर जीव ब्रह्म का रूप हो जाता है, नर नारायण में समा जाता है, जबकि सब अपनी इच्छाएं अपनी कामनाएं अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी डिमांड अपनी फरमाइशें सब छोड़ देता सब, तो बाकी रह क्या गया, नारायण ही नारायण रह गया, जिससे सारी इच्छाएं छोड़ दी। माया इच्छा के साथ है, जहां शायद पड़ी होगी वहीं मक्खियां भी आएंगी, चीटियां भी आएंगी, मकोड़े भी आएंगे, जहां शायद की एक बूंद भी नहीं होगी तो वे ये चीजें नहीं आएंगी हैं। जहां वासना कामना होती है माया वहीं होती है, और जहां वासना कामना नहीं माया सिर पे पैर रख के सजो देवियो भाग जाती है दौड़ जाती है। कामनाओं के अतिरिक्त वासना का नाम ही कोई नहीं, क्षमा माया का नाम ही कुछ नहीं। हमारी वासनाएं हमारी कामनाएं हमारी आकांक्षाएं ही दूसरे शब्दों में माया की शक्ल ले लेती है। जब जीव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है पूर्ण रूपेण मन वचन कर्म से एक होकर, माया शर्मिंदा होकर चली जाती है। देखिए भगवान ने पहले रोया फिर छाती से लगाया है, ये एक ही श्लोक है सारी गीता में। पहले रोया जैसे घर में मां कभी करती थी, फिर जब हम बुरी बुरी तरह रो पड़ते थे तो मां प्यार कर लेती थी। एक ही श्लोक है सारी गीता में, शायद आप नहीं बता पाएंगे, मैं समझाता हूं आपको। कहा इससे इंसान कोई पार हो, कोई भी पार नहीं होगा मेरी माया से। हम चिल्ला उठे कि ये भगवान ने क्या कह दिया। फिर साधना करने का मतलब, जाप करने का मतलब, सत्संग में आने का मतलब, गीता पढ़ने का मतलब, तो व्यर्थ हो गया। अगर इसके पंजे में फंसे रहे माया के पंजे में तो फिर तो मतलब ही कुछ नहीं। हम चिल्ला उठे, फौरन छाती से लगा के मस्तक चूमती है भगवान, फकत पार मेरी परस्तार हो। फौरन हम लोगों को दिलासा दिया प्रभु ने, पहले तो कहा नहीं मेरी माया से पार होना कोई आसान है, नहीं हो सकता। और जब देखा तो ये तो बसूर बसूर के रोने लग गए हैं, उसी श्वास से एट द सेम टाइम एट द सेम वॉइस एट द सेम माउथ कहने लगे, नहीं नहीं रुके हो तो भगवान पे फायदा कुछ नहीं, नहीं नहीं
फकत पार मेरी, जो पूर्ण रूपेण भगवान के बन गए वो निकल जाते, उनको माया कुछ नहीं कह सकती। माया की वहां डाल नहीं गलती मेरी देवी और मेरे सजनों। ये वो तो भगवान के प्यारे बन गए, वो तो मेरे प्रभु के इष्टदेव बन गए। जिन्होंने कुत्ता पाला होता है ना, तो आप अचानक किसी काम वश ही और शी उनके घर में जाती हैं, कॉल बेल देती हैं, तो ड्योड़ी में उन्होंने जो है काले रंग वाला छोटे सा विदेश का कुत्ता सा है, छोटा सा बड़ा प्यारा, तो वो लपका आपकी ओर, लेकिन आप अपनी दलीज पे बाहर खड़े, अंदर नहीं ड्योड़ी में गए। आपने नाम लिया, गोपाल गोपाल, हाँ आ जाओ ना, मैं बैठे के बैठा हूं, मैं कैसे आऊं, ये लपक रहा है तेरा कुत्ता। अच्छा मैं आया, अरे क्या करता है मोती। अब मोती डर के पीछे हट गया। मोती ने अपने मालिक को देखा, हा डर के परे कोने में चला गया। अब वो आपको ले जा रहा है। माया से हम चिल्लाए पर भगवान की भक्ति को देखकर माया परे हट गई और प्रवेश का मौका मिल गया। पता नहीं माया ये कहती कि जब तक भगवान आज्ञा नहीं देंगे, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। महाराज जी की आज्ञा चाहिए, मतलब हमारा मन भक्ति में गीला हो जाए, तब माया का कोई भी दाव पेच काम नहीं आता। तो भक्ति समर्पण का नाम है। भक्ति मेरी माता मेरी बेटियों, समर्पण अपने आप को सौंप देना, अपने आप को महाराज जी के हवाले कर देना। अगर सब कुछ मैं और आपने भगवान के हवाले कर दिया, एक ही कसौटी सारी गीताएं बताई गई, क्या ना हो उसको फिक्रे चुनाव ओ चुनी, कहे योग का उसको मसरत नशी। संसार संबंधी संकल्प विकल्प अगर उठते हैं तो धोखा ना दो अपने आप को। सुन रखो देवी, ये बड़ा निराला सत्संग है। शायद भगवान जी कहीं हरियाणा में दूसरी जगह ऐसा करवा रहे हो, मुझे शंका है, बड़ा मुश्किल है। गीता जी का सत्संग मुश्किल है, इसलिए बड़े ध्यान के साथ अपने आप को सौंप देना भगवान के चरणों में, बस फिर जीव ले गया बाजी बड़ी जल्दी। फिर क्या होगा अगर आपने सौंप दिया है, जैसे कई बार आप कहते हैं हम तो अपने आप को दे चुके हैं, पर पहले अपने को देखो सही, मेरे संसार संबंधी संकल्प विकल्प तो नहीं उठते। जैसे मेरे गुरुदेव फरमाया करते, शादी के बाद किसी और लड़की का ख्याल उठता है, मरे फिर तुम मरे मरे मां बाप को धोखा दोगे, लड़की को दोगे, शादी के बाद किसी पुरुष का ख्याल उठ रहा है, बोल उठता है, बस फिर तुमने कलंक लगाया क्या लगाया। शादी हो जाने के बाद फिर कुछ पुरुष का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब पूरी शादी नहीं हुई, तन से हुई है मन से नहीं हुई। बैल इसी प्रकार भगवान जी की गीता सुनी जी, जाप करती है, फिर भी संसार का ख्याल आता है, फिर रब बेचारा क्या कहे, सिवाय इसके परागंदा दिल है वो। भगवान ने मक्कार कहा, भगवान ने दम भी कहा, अंग्रेजी में बोलते हिपोक्रेट। ये जीव में सबसे गंदा अवगुण माना गया है मक्कार। मक्कार कौन होती है, हाथी के दांत की तरह दिखाने के और आगे क्या बोलू खाने के, और ऐसे को दंभी बोलते हैं। शो कुछ कर रही है लेकिन यथार्थ रूप में अंदर वो नहीं है जैसा कि बाहर शो करते हैं। उनको हमारे कृष्ण जी कह रहे हैं वो दंभी है, वो लूमड़ी की तरह जिसने बाहर की चिकनी चुपड़ी बातें करके बेचारे टहनी पे बैठे हुए कौए के मुंह में से पनीर का टुकड़ा हथिया लिया, क्या इन्हीं चिकनी उपड़ी बातों में उसे बोलते हैं। अब तक हमारा देश कहता है मक्कार लूमड़ी, कनिंग, वेरी वेरी कनिंग, अपना मतलब पूरा करने के लिए कितनी चिकनी चुपड़ी बातें की। क्या ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, आजकल के मेंबर जो वोट के लिए खड़े होते हैं या किसी मेमरी के लिए खड़े होते हैं, सारे ही लूमड़ी के पुत्र बन के नहीं आते। कितने सब्ज बाग आपको दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और उसके बाद कितने साल आपको नजर भी नहीं आएंगे और भूल जाते हैं कि हमने कितने कितने वादे कर रखे हैं जनता को। बिल्कुल कनिंग, कितने वादे, ये सब लूमड़ी के पुत्र हैं जो ये
एमएलए बनती हैं या एमपी के लिए खड़े हो जाते हैं, भूल जाती है। शायद कोई एक आध हो जो अपने वैद्यों को याद रखे और उसके अनुसार जनता को हर प्रकार के सुख देने में अपनी ओर से कोई कोर कसर न छोड़े। तो आप देखिए, अगर पूर्ण रूपे आप मेरी इष्टदेव जी के बन गए हैं, फिर संसार का चिंता नहीं, और संसार में आप पुरुषार्थ करते हुए अपने प्रभु को दिखाई दे, लेकिन मन में संसार का चिंतन करते हुए नजर आए। समझा मेरी बेटी, शादी के बाद कई पुरुषों के साथ आप जो है करेंगी, सेवा सुबह करेंगी, घर में आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका चिंतन तो ना हो। आपके घर वाले के दोस्त आएंगे, कई माँ की ओर से रिश्ते आएंगे, बाप की ओर से रिश्ते आएंगे, गली मोहल्ले वाले चाचे ताए और ये वो सारे आएंगे, लेकिन चिंतन तो केवल पति का होगा ना। हाँ, अगर शारीरिक प्यार में ये जरूरी है तो उस आत्मिक और दिव्य प्रेम में क्या जरूरी नहीं कि संकल्प केवल इष्ट देव का है? क्या प्रेम अपवित्र नहीं हो जाएगा? ये आप देख लेना कि आपकी भक्ति ठीक जा रही है। ये मेरी हर मैया हर बेटी अपना निरीक्षण, अपनी इंट्रोस्पेक्शन खुद ही करे, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। आपकी यथार्थ अवस्था क्या है? ना कभी अपने आप को ओवर जज करना, ना रॉन्ग जज करना, राइट जज करना अपने आप को। वेयर वी ऑल स्टैंड, चूंकि महाराज जी ने इशारा किया अपने गीता की साधना के द्वारा क्या कहा, देखिए मैं फिर दुराई कर रहा हूं, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। कितना जोरदार आपको यकीन दिलाया है कि इस तरीके से वो मुझे जान जाता है। परमात्मा करे हम सब इस तरीके से जान जाएं। और भक्ति ज्ञान योग और कर्म योग की अपेक्षा बहुत आसान है, मुश्किल जीवों ने इसलिए बना दी है कि ये अवस्था नहीं बनाते, सच्ची भक्ति नहीं करते। सच्ची भक्ति में फिर दूसरे का चिंतन नहीं होता। जैसे सच्ची शादी में, सच्ची शादी क्या होती, जो मन वचन कर्म से एक होकर की जाए, सिर्फ तन द्वारा ना पति बनाया जाए कि लावा फेरे ले लिए या वेदी पर चक्कर काट लिए, ना मन से भी समय लिया जाए कि बस सारा जीवन मैंने इन्हीं के साथ व्यतीत करना, सारा जीवन मैंने इसी ही देवी भगवती के साथ, सुख हो या दुख, दिन हो या रात, अमावस्या हो या पूर्णिमा, इसी के साथ मैंने काटनी है। उनके ऊपर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती। आगे बढ़ूं, आगे आपको ले चलूं। 18वें अध्याय में हम सब प्रवेश किए हुए हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हम और बढ़े 18वें अध्याय को चूमे। ये देखिए कितना सुंदर फरमान, गीता को संपूर्ण करने से पहले, अपना उपदेश पूरा करने से पहले ये देखिए गीता की साधना। बाबा क्या कितना प्यारा फरमान है जिसमें साधना छिपी हुई है। मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरा काम उसी तरह है जैसे मैंने आपको क्या धान दे दिया। बाबा कहां है चावल इनमें, ये क्या बना है, ये कुछ चावल है? हां मेरे बच्चे, 4-5-6 दाने हथेली पे लो और हथेली को जोर का रगड़िए, हा छिलका उतर जाता है और चावल मुस्कराते हुए, वो तो पहले ही सफेद है, अपने दांत दिखाते हुए आपको कहते क्या कह रही थी तू, हम चावल नहीं है। क्षमा कर दो चावल चाचा, हमें पता नहीं था कि तुम इनमें छिपे हुए हो। हाय हाय हाय, मैं इस तरह, ये कई श्लोक ऐसी हैं जो ऊपर से धान की तरह नजर आती हैं, पर थोड़ा सा रगड़ा देती हैं तो बीच में उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती है, और सचमुच हम एग्री किए बिना रह ही नहीं सकते कि यही मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव की साधना है। क्या तू जाए पना उसी को बना, श्री भगवान वाच, जय हो मेरे प्रभु। दुजाए पना उसी को बना, वही उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तू रहमत में उसकी समा जाएगा, सकूं ओ बकाउल से पा जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके
जरा समझे, स्पून फीडिंग फरमान, ये साधना थोड़े रूप में साधना यानी दूर जाने की पगडंडी। जैसे बड़े बड़े नगरों में आप बाईपास चल पड़े हैं, तकरीबन हर नगर में व्हीकल के लिए या वैन पर जो आती है या कार पे आते हैं तो बाईपास जल्दी शहर में पहुंच जाते हैं। जैसे आप चंडीगढ़ से आ रहे गए, अब इतना दूर चक्कर काटेंगे, इतना लंबा बलदेव नगर, फिर आगे फाटक बंद रेलवे का, फिर इंतजार करके फिर आगे जीटी रोड पर, फिर मुड़ के फिर घर। तो अगर यहीं से निकल जाओ, ये वो वहां से अपने पावर हाउस से ये बाईपास आता है, इतने में तो आप घर पहुंच जाओगे। ए यू निकलते हो गीता नगरी के सामने से, चल पहुंच गए घर। वो बाईपास जो काकड़ू से निकलता हुआ शहर पहुंच जाता है, अच्छा ये बाईपास कहलाएगा। इस तरह ये श्लोक बाईपास है। तो जाए पना किसका बाईपास? भगवान जी तक अप्रोच करने के लिए। ये ना भूलना मेरे बच्चे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल में आके 50 से ऊपर है, ये आगे ऊपर चल के है, ये 60 और 50 के बीच में है। यहां आके भगवान जी टचिंग कर रहे, फिनिशिंग टच, अंग्रेजी में अभी से कहेंगे फिनिशिंग टच, अंतिम स्पर्श। जैसे चित्रकार या कलाकार अपने चित्र को संपूर्ण करता हुआ कहीं फिनिश करते कहेंगे देखे बटे ठीक नहीं बने, जरा मुख पर थोड़ा सी जरा लाली और चाहिए, तो थोड़ा ब्रश अपने चलाते जाता है, जहां जहां कहीं कमी नजर आती पूरा करता जाता है। तो भगवान के उपदेश की ये फिनिशिंग टच हो रही है। जाए पना अर्थात शरण की स्थान, अब तो केवल अपने भगवान को बना उपदेश, अपनी चरम सीमा को, अपनी क्लाइमेक्स को, अपनी जीनत को जा रहा है मेरे सजनों। ओ मेरी देवियों, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं, चाहे वो लेमैन है, कॉमन मैन है, एक सामान्य पुरुष है या साधारण है, जिसने किसी ना किसी का सहारा ना ले रखा हो। जब इंसान किसी का भी सहारा नहीं लेता, मौत अपना काला मुंह लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। बिना सहारे के मेरी बेटी आप जिंदा नहीं रह सकते, खासकर नारी चोला, बिना सहारे के नहीं। मैं एक दिन क्या एक घंटा भी आपसे नहीं बताया जाता, अगर आपको काट सकती है मुझे बता दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे न्यू इंफॉर्मेशन आपसे मिल जाएगी। कोई भी 84 लाख यूनियां बिना सहारे के एक घंटा भी नहीं व्यतीत कर सकती। शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, मन ऐसा बनाया, बुद्धि ऐसी बनाई, स्थान ऐसे बनाए, ये तत्व आग पानी हवा मिट्टी और आकाश ऐसे बनाए हैं। कभी शरीर का सहारा, कभी मन का सहारा, कभी कभी शरीर को सहारे लेने पड़ते हैं, कभी मन को सहारे लेने पड़ते हैं, कभी बुद्धि के सहारे लेने पड़ते हैं, कभी वातावरण से अपने आप को निकाल के और जगह जाना पड़ता है। शरीर मन बुद्धि किन्हीं सहारे पर जिंदा है। और मैंने यहां तक कहने की जरूरत की कि कोई भी ऐसा नर नारी नहीं, हम अपनी योनि को ले, मनुष्य योनि को, बाकी योनियों को लीवे साइड, बिना सहारे के जिंदा रह नहीं सकते, खास करके मेरी देवियां। आपको तो एक बेल की तरह कहा गया, जैसे घरों में तोरी की बेलें होती जरूर देखी होंगी, रस्सी आगे आगे लंबी करते जाओ और तोरी की बेल आगे आगे बढ़ती जाएगी, उसमें पीले पीले फूल निकलते आएंगे, थोड़ी देर बाद उसमें से क्या तोरियां लंबी 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 निकलती आएंगी, और करते जाओ और लंबी लंबी करते जाओ। हमने अपने घर से लेकर आगे तक 4-5-6 घरों तक रस्सी ले गए, तोरी आगे आगे बढ़ती गई, इतनी तोरियां हो गई। फैसला यह हुआ कि जिसके घर में से ये बेल गुजर रही है वही सब्जी तोड़ के खाती रहो, औरों के ना ले, तो वहीं से आपने तोरियां तोड़ लिया करो और खा लिया करो। इतनी बेल आगे रस्सी बढ़ाई जाओ तो आगे बढ़ते। नारी भी इसी तरह, नारी बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, तन द्वारा बहुत खुश रहती है अगर सही सहारा मिल जाए। पर आजकल सहारे सही रूप में मिलने असंभव तो नहीं नारी के लिए, पर है बड़े कठिन। आइए जनाब आपसे दो बातें करूं, इंसान को कोई बुद्धिमान का सहारा चाहिए, क्योंकि नारी की अपेक्षा आप में भगवान जी ने बुद्धि ज्यादा दे रखी है। अगर इनमें एक करछी डाली है बुद्धि की तो आप में दो करछियां डाली है बुद्धि की, और मेरे जैसे जरा रेत करके भगवान ने 4 करछियां डाल दी है। शाबाश, बुद्धि की जरा आप में ज्यादा होती है। क्यों? भगवान को नारी चार दीवारी रखना था भगवान ने, और आपको घाट घाट का पानी पिलाना था,
है। इंसान ने बाहर जाना था, नर में कह रहा बेटी नारी चार दीवारी। आज तो खैर इन शब्दों को आपने जो है झूठा बनाकर रख दिया, उतना दुख भी पा रही हो, वरना हिंदुस्तान की सभ्यता अब भी आपको छाती से लगा के प्यार से कह रही है नारी चार दीवारी। हाय, और नर छलांगे मारता है बाहर, इसलिए बुद्धि की ज्यादा जरूरत है, इनको ज्यादा जरूरत है किसकी, प्रेम की। इनको ज्यादा जरूरत है क्या, मिठास की, इसी चार दीवारी। जरा आइए, सहारे के बिना रहना मुश्किल, और आपने सहारे ले रखे हैं, देख लीजिएगा सहारे के बिना एक दिन गुजारो, जरा एक घंटा गुजारो, नहीं गुजरता। आप जितना सोचेंगे मेरे भगवान के इन शब्दों के साथ आप जरूर सहमत हो जाएंगे, सहारा लेना है। लेकिन या हम सब ने मार खा ली, या मां बताए, या पिताजी बताते, या मैंने कहा बकवास की क्या, कि यह भगवान जी जब जन्म दे रहे थे हमारा, उनको पता था कि अब इसे जन्म लेना है, तो अंदर फूंक देते हमारे कानों में कि बिना सहारे के तो जिंदा नहीं रहेगा। और सहारा किसका, चलो ये तो ठीक है एक बिना सहारे, पर सहारा किसका। सिर्फ इतनी बात भगवान जी बताए तो वो उनका पूरा असर होता, मेरे संसार में जा रहा है जी मेरे प्रभु, केवल मेरा ही सहारा लेना। चलो, ये इस दुनिया में एक बड़ा शानदार स्वर्ग होता सज्जनों, ओ मेरी देवियों, सिर्फ इतनी बात हमारे बुद्धि बैठ जाती कि सहारे के बिना जिंदा ही रह सकते, लेकिन केवल भगवान का सहारा। हमने कितने सहारे लिए, उससे तृप्ति नहीं हुई, फिर तोड़ दिया, फिर नया सहारा, फिर तोड़ दिया, फिर नया सहारा। और तू अपनी कहानी लेख, पहले मां का सहारा है, फिर पिताजी का सहारा, हाँ फिर बहनों का, फिर भाइयों का, फिर अपनी सखी सहेलियों का, फिर अपनी पढ़ाई का, फिर एक श्रीमान प्राय पुत्र का पति मानकर, फिर वहीं तक रह जाती, पर कहां, फिर आगे औलाद का, फिर आगे दूसरे बच्चे का। हाय मेरे रब्बा, कितने सहारे लेने पड़े। इस तरह फिर क्या हो गया, आखिर में आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा, शरीर किसी काम का ना रहा, न से नींबू को हम नींबूदानी में डाल करके निचोड़ के रख देते हैं, आप नारी ने अपने आप को निचोड़ के रख दिया इतने बच्चों की मां बनने के बाद, बिल्कुल तो निचुड़ गई बेची। तब क्या हुआ देख लीजिए, दिन ब दिन अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन प्राइवेट अस्पताल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट नर्स हाउसेस बढ़ रही, कोई लानत की बात है, कोई इज्जत की बात तो नहीं कि हमारे देश में नर्स सेंटर खुलते जा रहे हैं, होम सेंटर बनते जा रही है, और को रोटी मिले ना मिले, लेकिन इनको तो जरूर मिलेगी, जरूर, क्योंकि हर 9 महीने के बाद चाहिए आपको, हर कुछ ना कोई गड़बड़ मचेगी आपकी। है शाबाश, कितने सहारे चाहिए, चीखो पुकार निकलती है अगर कोई सहारा ना मिले तो। कभी पेट में दर्द हो रही है, कभी आंखों में दर्द हो रही है, कभी साइड पर दर्द हो रही है, कभी हवा भरी जा रही है, कभी बाजू फूले जा रही है। आप भी जरा अपने आप को देखिए, जब तक भगवान के इन शब्दों को और फरमान को अपने सीने में नहीं रखा जाएगा, पता नहीं कितने नलायकों का सहारा लेना पड़ेगा, जब तक ये अवस्था नहीं बनती क्या करना है क्या और ना करना है क्या, अर्थात जब तक अकल सलीम नहीं मिलती है, जब तक विवेकी नहीं बुद्धि नहीं मिलती, तब तक इंसान भटक भटक अटक अटक लटक लटक के मरेगा, भटक भटक के अटक अटक के लटक लटक के मरेगा बेचारा। लेना तो आप पक्का सहारा चाहते हैं, लेकिन ले रही है कच्चे सहारे, इन प्राणियों के, पदार्थों के, धन के, इन उन चीजों के, आप धोखा खाते हैं बुरी तरह। आप भगवान क्या कह रही हैं, हमें कह रहे हैं जो कल्याणकामी है, हरेक को तो नहीं कह रहे, रजोगुणी को नहीं कह रहे, तमोगुणी को नहीं कह रहे, चूमा इन शब्दों को, रखो अपने माथे पर, रखो अपनी छाती पर, सराहने के नीचे रखो इस फरमान को, तो जाए पना। महाराज जी कह रही है, अरे आप भी सीख जा, सीख के मेरे प्रभु, केवल मेरा सहारा लेके रहो। हाय 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 हाय, कितने जन्मों के बाद ये आवाज आ रही है बेटी, कितने जन्मों के बाद ये ध्वनि आ रही है कानों में, केवल भगवान का सहारा लेके रहो।
ठीक है बाबा, अब मेरे पर सवाल होना चाहिए। सारा का मतलब क्या है? सारा का मतलब शरण, शरण का अर्थ क्या है? शरण कौन लेता है? किसने शरण लेनी है? भगवान को पता है कि भोले वाले कम बुद्धि वाले जीव जरूर सवाल करेंगे, तो भगवान तो सर्व ज्ञाता है, सबको जाने वाले हैं, उनको पता है। और गीता हर संभावित प्रश्न का उत्तर देती है, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो कि कोई भी जिज्ञासु कर सकता है भगवान ने पहले ही जवाब दे रखा है। वरना ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बन जाता है मेरी देवियों, एक जटिल प्रश्न खड़ा हो जाता है, सहारा किसने लेना है, शरण किसने लेनी है। देखिए इतना कह के तो उपदेश अधूरा है, तू जाए पना उसी को बना, तू उसी भगवान को सहारा बना। हां तो आगे फौरन जवाब, ये शरण किसने लेनी है, उसी जात में अपनी अपनी बुद्धि और मन उसमें जोड़ दे। सहारा लेना होता है बुद्धि ने, सहारा लेना होता है मन ने। तन तो सड़ तन तो गया, शमशान में लिटाया, लगाई आग, दे ये राख बन गया। कितनी ही आपने देखे होंगे शमशान में, ना देखे हो तो अंदाजे तो लगा ही सकती हैं कि तन मनोमन लकड़ियों में शरीर को रख करके साड़ देती है। चौथा वाले दिन कुछ हर शरीर के अंग की जो है फूल यानी हड्डियां ले आती, खत्म जी। तो बुद्धि ने सहारा, क्या मतलब बुद्धि का काम है इरादा करना, तो एक ही इरादा रख, मैं और आप कह रहे हैं हर एक के लिए ये उपदेश नहीं है, ये बुद्धि में एक ही इरादा रखें केवल भगवान की भक्ति का। तो बुद्धि ने सहारा भगवान का ले लिया, एक ही, जैसे आप अपने दिल से मान लेते ये मेरे पति है, ये तो रस्सी बांध रखी तुम्हारे उसके साथ, सिर्फ बुद्धि में निर्णय हो चुका है कि ये मेरे पति है बस, कोई आपने माला भी नहीं फेरी, गोपालदास मेरा पति है, गोपालदास मेरा पति है, गोपालदास मेरे सतलामा फेरे लिए इसलिए मेरा पति बन गया, मेरा पति बन गया, ऐसे नहीं माला फेरी है, बस ये बात गहरी उतर गई है कि इस शक्ल वाले मेरे पति, इस शक्ल वाली मेरी पत्नी है, बस अपने माला नहीं फेरी, आपने मनोरा मेरी पत्नी है, मनोरा मेरी पत्नी है, मनोरा अंबाला से छोटी गली में से आई है, ये तो नहीं फेरी, मैं आपने देखा और गहरी उतर गई। इस तरह जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना होता है, इरादा रख ले, जो आयु गई वो तो वापस आने से नहीं मेरे भगवान, लेकिन अब जो एक भी दिन मुझे आपने दिया तो मैं तो भक्ति ही कमाऊंगा, दृढ़ निश्चय बुद्धि होगी भगवान की। अब वाह, बुद्धि चली गई भगवान के साथ, जब बुद्धि में ये इरादा हो जाता है, देखिए भगवान की शब्द चूमने योग है ये, दूसरे अध्याय में अकले इरादी रहे मुस्तकिल, क्या बोलूं आगे, यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल, मन भी साथ ही साथ चला गया, मन भी साथ साथ, जहां पक्का इरादा होता है वैसे ही मन के विचार हो जाते। इसको हमारे भोले भाले संत जो पहले नहीं इतने पढ़े लिखे होते थे, इसको वो यूं कहते कि रावदा रावदा रावदे दर्शन कैसी है, राव दर्शन तो बड़े आसान है, भोले भाले जो जिन्होंने पहले पहले इतनी पढ़ाई नहीं होती थी तो भोले भाले यूं बुझारते डाल देते थे कि रावदा मिलना तो बड़ा ही आसान है, तू चालते में आया, तू चालते में आया है, रावदा मिलना, सुन मेरी भगवती, सुनो सियाणियां दी गल्लां, सियाने पहले भोले भाले यूं, तू चालते में आया, बूझ मेरा बुझक्कड़, हाँ बूझ मेरा बुझक्कड़, तू चाहते मैं आया, फिर मुझे मैंने क्या बता, खा मेरा थप्पड़, ना मैं तो नहीं खाता थप्पड़, बूझ मेरा बुझक्कड़ नहीं तो खा मेरा थप्पड़, ये क्या है, तू चाहते मैं आया, हाँ जैसे हम दरवाजा बंद करना चाहती हैं तो पहले एक दरवाजा कहते तू चाहते मैं तेरे पीछे आया, हाय 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 हाय, तू चाहते मैं आया पीछे दरवाजा, एक हमने हिस्सा आगे किया, तू कहता तू आगे चलना, मैं तेरे पीछे पीछे साथ आया, तभी तो कुंडी लगेगी, हाँ मन बुद्धि को कहता है तू कर इरादा, मैं तेरे पीछे आया, जोर की ताड़ी, तू कर इरादा, बुद्धि तू जो तूने इरादा किया मैं तेरे पीछे पीछे, हाय तू चलते मैं आया, बूझ मेरा बुझक्कड़ नहीं तो खा मेरा थप्पड़। जैसा आप इरादा करेंगे, भगवान जी ये सिद्धांत बता रहे हैं, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल
मुझमें पक्की अगर इरादा रहे तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल आगे लानत मारी किशन ने नालायक पुत्रों को, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। ये आजकल का वातावरण, 20वीं शताब्दी का वातावरण, दो दिन इरादा बनाएंगे फिर पलट देंगे, दो दिन इरादा बनाएगी मां दी कमली थी फिर पलट के मारेगी, फिर ख्यालों में सारी जिंदगी का कट गई, क्या दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। और आपको तो मैं मुबारक दूंगा, आपने इरादा पक्का कर लिया मैंने भक्ति करनी, चल ये भगवान ने कहा लगा दे, तो मन में आप विचार केवल भगवान के उठते, ओ मैं कुर्बान ओ मैं कुर्बान ओ मैं कुर्बान, केवल अपने प्रभु जी के विचार उठेंगे। ये है भगवान की शरण लेना। सुन रखो कल्याणकामी नेक जीवो नेक देवियों, जिनके बुद्धि में पक्का राधा के चाहे श्वास मेरी जिंदगी या एक दिन या सौ दिन मैंने केवल भगवान की भक्ति करनी है, तो मन ने कहा मुझे भी लानत अगर मैं किसी और का विचार कर जाऊं, क्योंकि इरादे के उलट विचार नहीं आते, मन अपने आप में आजाद नहीं जे बेटे, मन बिल्कुल ही प्राधीन है किसके, बुद्धि के, बुद्धि पहले इरादा करे तो ये तो बड़ा आसान हो गया, मन को अपने जेर करना बड़ा आसान, इरादा बनाइए भगवान का कि मैंने भक्ति करनी है। इसी फरमान को विस्तार कर दिया नौवें अध्याय में जाकर, क्या पापी था दुराचारी था लंपड़ था कमीना था कातिल था, कईयों को सिर खा गया कईयों को मार गया कईयों के घर तबाह कर गया आग लगा गया कत्ल कर गया, लेकिन नहीं अब वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाएगा, है ऋषि के नाम से पुकारा जाएगा, हाँ उनकी पूजा होगी जनता पूजा करेगी, है क्यों, चूंकि इरादे में नेकी के यक्षु है वो, समझ ले कि वो साधु है वो, अब वो साधु बन गया, वरना रत्नाकर डाकू चोर खूनी खूनी से मुनि, मेरा भारत पुकार के आपको दृष्टांत दे रहा है, खूनी से मुनि कौन, रत्नाकर और बाद में नाम पड़ा वाल्मीक। हा वैसे वाल्मीक कौन होता है बेटे, जो मिट्टी का जो घर घर मिट्टी का बना देती है उसमें से कीड़े निकलते हैं, मिट्टी का घराना बनाने वाले कीड़े कभी कभी दीवारों पर इतनी इतनी मिट्टी छा जाती है उसके अंदर जो कीड़े होते हैं संस्कृत में बोलते हैं वाल्मीकि कीड़ा। हाँ तो जब इनको नारद जी ने समझाया कि जिनके लिए पाप कमाता है कमले वो भागी नहीं होंगे भागी तू होगा, लंबी चौड़ी कहानी पूछ के आया, बाप भी कहे हम क्या, तू बच्चा तुझे हमने पाला अब तू जैसे रोटियों में दे रहा है तू जिस तरह ला रहा है तू भागी हम क्या भागी, चोट लगी नारद जी ने दे दिया मंत्र और लग गए अपनी जाप सिमरन में, इतने शरीर की शुद्ध बोध भूली मेरे सजनों मेरे देवियों, हाँ कि कीड़ों ने अपना घर बना लिया शरीर के ऊपर, एक इतने हिस्से पे नहीं बना सकते क्योंकि तेज फूट रहा होता है, है ये ठोड़ी से लेकर चोटी तक इतने हिस्से पर जीव का तेज निकलता है, बाकी सब कीड़े कीड़ों ने घर मिट्टी के बना लिए यहां। तब भगवान ने मेर की और सप्तऋषि गुजरे आकाश मार्ग से और देखा ये चमक क्या है, क्या कोई नीचे तारा गिर गया है, सितारा गिरा है क्या आकाश से, सप्तऋषि नीचे उतरे देखा इतनी चमक है, नजदीक पहुंचे देखा कंधों तक तो कीड़ों ने घर बना रखा है, उस वो जो मिट्टी के कीड़े उनको संस्कृत बोलते हैं वाल्मीकि कीड़ा, वाल्मीकि कीड़ा, हाँ फिर उन्हें अपनी शक्ति से समाधि खोली और ऊपर आंखें खुली और इतनी शक्ति उन्होंने ऋषिवार ने दी कि जितने मिट्टी के घरौने बने हुए थे कड़क करके नीचे गिर गए और वो प्रणाम करने के लिए खड़े हुए, तब सुनने का इतने वाल्मीकि कीड़े इतने वाल्मीकि और तो आपको सद्बुद्धि नहीं, तब आकाशवाणी हुई आज के बाद श्रद्धालु इन्हें इसी नाम से सप्तऋषियों पुकारेंगे जो तुमने कहा वाल्मीकि 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 हाय। फिर भगवान ने क्या कहा, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, ऐसे कई दृष्टांत मिलती है पिंगला वेशिया
हाँ, जब दत्तात्रेय जी के संपर्क में आती कौन से कहां निकल गई। वाह, स्त्री अनेक दृष्टांत आती हैं अजामल। वाह, कौन से कहां निकल गए। विवेकानंद नास्तिक और इंटरनेशनल महात्मा के नाम से पुकारा जा रहे हैं और पुकारे जाएंगे इंटरनेशनल महात्मा। वाह, अंतरराष्ट्रीय महात्मा। कहां से कहां जीव निकल जाता है, कौन से कहां, जब उनका सहारा ले लेता है तो इरादे में इतनी ताकत। आप सब जानते हैं मेरा काम तो प्रकाश डालना है, आपकी श्रद्धा और बढ़ाना है। तो बस मैं इतनी बात सिद्धांत रूप में कहना चाहता हूं, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसा इरादा वैसे विचार। जब ये सिद्धांत है, इरादे में फिर भक्ति हो गई, विचारों में भगवान जी हो गए। बस उसके बाद मैं चुप। मैं तो ये बात समझाऊं, गीता का सिद्धांत बताऊंगा, जैसा इरादा वैसे विचार है, जैसा इरादा वैसे विचार जी। मैं तो इतनी बात कहूंगा, उसके बाद भगवान बोलेंगे तो मिलना मेरा उसको आसान। जब विचारों में भगवान जी हो गए, हाथ आगे वो कहते सदा मेरा पे हम, मिलना मेरा उसको आसान। फिर ये महाराज जी को शोभा देता है कि आगे वो रिक्त स्थान की पूर्ति करे, फिल इन द ब्लैंक वो करे कि हां भाई जी जी, मिलना मेरा उसको आसान। गीता की साधना झांकियां लेते जाइए और पूरा पूरा लाभ उठा लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। Thank you.
कोई गीता में